तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मोबाइल में दो मीशो एप्लीकेशन कैसे चलाएं। अगर आप भी अपने मोबाइल में मीशो की दो एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने मोबाइल में मीशो की दो एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में ऐप क्लोनर या फिर डुअल ऐप नाम से एक ऑप्शन मिल जाता है, आप वहां से अपनी किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो, मतलब आप किसी भी एप्लीकेशन को डबल करके उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन किसी मोबाइल में सिर्फ कुछ ही एप्लीकेशन का क्लोन बनाया जा सकता है, सभी एप्लीकेशन का क्लोन नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर ये चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल में सभी एप्लीकेशन का क्लोन बनाया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में ऐप क्लोनर या फिर डुअल ऐप नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर ऐप क्लोनर या डुअल ऐप नाम से कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से उसको सर्च करके भी फाइंड कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से उसको सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में ऐप क्लोनर नाम से ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पर ऐप क्लोनर नाम से ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ से डुअल ऐप करके सर्च कर सकते हो, उसके बाद वो ऑप्शन जहाँ पर भी होगा आपके मोबाइल में आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की वो सभी एप्लीकेशन दिखाई देगी जिनका क्लोन बनाया जा सकता है, मतलब जिन एप्लीकेशन को डबल करके उसका यूज़ किया जा सकता है, आपको यहाँ पर वो सभी एप्लीकेशन दिखाई देगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में सिर्फ इन्हीं एप्लीकेशन का क्लोन बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में भी यहाँ पर कुछ ही एप्लीकेशन शो हो रही है, सभी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन कैसे बना सकते हो, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को डबल करके उसको यूज़ कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है डुअल ऐप। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन दिखाई देगी और आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो सभी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी और आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस एप्लीकेशन को डबल करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर ट्विटर का क्लोन बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेसिंग लेने के बाद आपने जिस भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाया है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने ट्विटर की एप्लीकेशन आ चुकी है और आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। अगर आप मीशो को डबल करके उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार मीशो को डबल करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।